हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। चेस्टरली स्ट्रीट इंग्लैंड का पीस रिपोर्ट के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में जो है वो T20 मैचेस होने वाला है। तो किस तरीके का हो सकता है, कैसा मैसेज जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, इसको हम लोग डिटेल्स में जो है चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये पिच किस तरीके से बिहेव कर सकता है, किसके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्या बैट्समैन अच्छा परफॉर्म करेगा या फिर बॉलर्स में अगर परफॉर्म करेंगे तो कौन करेगा, स्पिनर या जो है फास्ट बॉलर। तो इसको डिटेल्स में चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे पहले अभी तक जो है आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना, वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगेगा तो लाइक कर लेना। और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हो कि विनर सेशन इंटरव्यू में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट उठा सको, तो ये जो व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पर आपको जुड़ जाना है। साथ में टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, कॉल पर जुड़ सकते हो और ड्रीम इंग और स्क्वाडिंग इंग जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिल जाता है। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इस ग्राउंड के बारे में, तो इस ग्राउंड को देखोगे ना तो वैसे नहीं है कि नॉर्मली जो है बहुत सारे मैचेस यहाँ पे देखने को मिलते रहता है, लेकिन हाँ बाकी इस ग्राउंड जो अगर मैसेज की बात किया जाए तो मैसेज हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। और हो सकता है कि आपको याद भी ना हो कि कब मैचेज हुए हैं, लेकिन उसके बारे में हम लोग आगे जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं लोकेशन का, तो चेस्टरली स्ट्रीट इंग्लैंड में आपको देखने को मिलेगा। टाइम जो इंग्लैंड का वो पता है कि प्लस 1 आवर रहता है, जैसे इंडिया का 5.5 घंटा जो है वो IST से आगे हैं, तो वैसे जो है वो ये आपको प्लस 1 जो है दिखाई देता है। और लोकेशन यहाँ पर बात करें तो आपको दुरम जो है ये आपको दुरम जो है वो देखने को मिलेगा। कैपेसिटी की बात करें तो 5000 के आसपास है, तो फ्लड लाइट्स यहाँ पे है और बाउंड्री एरिया जो नॉर्मल है वो 70 और 65 मीटर जो है वो देखने को मिलता है। कभी कभी इससे छोटा भी जो है यहाँ पर बाउंड्री होते हुए नज़र आ सकता है, तो इस हिसाब आपको ध्यान रखना है कि बाउंड्रीज एरिया इससे बड़ा जो है वो शायद नहीं होगा। स्टेट में हो सकता है कि 71-72 तक जा सकता है, उससे बड़ा नहीं होगा, लेकिन बाकी लेग साइड में हो सकता है कि इससे भी जो है आपको छोटा बाउंड्री जो मैंने 65 बताया ये हो सकता है कि आपको 58 या 60 के आसपास देखने को मिल सकता है, कि कभी कभी आप नॉर्मल बाउंड्री एरिया ये रहता है, इसके बाद कभी जो है ये छोटा हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले जो है वो किस तरीके का पिच बिहेव करने वाले, तो सबसे पहले बात करते हैं तो ये जो है ना एक बैटिंग पिच की तरह जो है बिहेव करते हुए नजर आता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बैटिंग जाओ और रन बना लो, बैटिंग करना यहाँ पे चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि शुरुआत का जो फेज होता है ना वो काफ़ी स्पिनिंग फेज जो आपको देखने को मिलता है। और केवल यहीं पे नहीं, इंग्लैंड के हर ग्राउंड पे देखोगे तो शुरुआत का जो कुछ ओवर होता है ना वो बहुत ही चैलेंजिंग होता है बैट्समैन के लिए, और उसके बाद से अगर शुरुआत का फेज जो है कोई भी निकाल लिया तो आप देखोगे इंग्लैंड में रन बनाना जो है थोड़ा सा आसान हो जाता है बाकी ग्राउंड के कंपेयर में। और यहाँ पे इसका इसलिए भी कि यहाँ पे इंग्लैंड में बाउंस जो है ना बहुत अच्छे तरीके से आता है, यानी कि जो पिच है वो बहुत ही कह दो ना कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो है बनाया भी जाता है, जहाँ पे बाउंस जो है बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी कि बैट्समैन को ख्याल में रख के पीछे जो है इंग्लैंड का मेनली तैयार किया जाता है, तो इसका जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं तो जैसे जैसे यहाँ पे मैच आगे बढ़ते जाएगा बैटिंग के लिए जो है ना वो महत्वपूर्ण बनते जाता है पिच, तो इससे उसका ध्यान रखना है। एवरेज रन भी आप देखोगे तो यहाँ पे 163 है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा है बैटिंग की ओर हमें दर्शाता है, एक बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बैटिंग होते हुए जो है नज़र आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर विकेट नहीं गिरता है, कि यहाँ पर विकेट भी देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि 14 विकेट जो है ऑन एवरेज है, यानी कि हर मैच में इतना विकेट जो है वो गिरता ही है, यानी कि दोनों सीनरी में से एक अच्छा जो है परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पे जो है ना देखोगे तो जो स्पिनर का है वो थोड़ा सा जो है एडवांटेज ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू जो है फास्ट बॉलर हैं उनके कंपेयर में, तो स्पिनर को जो है एडवांटेज की मिलता है, क्योंकि इस ग्राउंड पे देखोगे ना तो इस ग्राउंड का जो बाउंड्रीज एरिया है ना थोड़ा सा अलग दिखाई देंगे आपको, जब यहाँ पे मैचेज होगा तो आप देखना। और उसी सीनर में ज़्यादा जब यहाँ पे मैचेज होते जाता है शुरुआत में स्विमिंग कंडीशन 1-2 ओवर क्लियर रहता है, उसके बाद बैटिंग में कन्वर्ट होता जाता है, और धीरे धीरे जब यहाँ पे मैचेज होते जाता है तो बाउंड्रीज जो पीचेज है वो थोड़ी सी जो है वो यहाँ पे और निशान बनते जाते हैं, पैचेस बनते जाते हैं, और जिसके चलते यहाँ पे और स्पिनर को जो है वो बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। और खासकर अगर कोई बहुत बड़ा मिस्ट्री स्पिनर हो या फिर लेग स्पिनर हो तो उसको जो है थोड़ा सा बेनिफिट मिलने के चांसेस ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू जो फास्ट बॉलर है उनका। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि फास्ट बॉलर यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, फास्ट बॉलर को भी जो है स्टार्टिंग जो फेज है और जो लास्ट फेज है उसमें काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से भूमिका निभाता है। अगर कोई जो है यहाँ पर फास्ट बॉलर काफ़ी अच्छा है तो इनिशियल फेज में काफ़ी डैमेज कर सकता है, तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बैटिंग के लिए बात करते हैं तो बैटिंग जो है वो मिडिल ओवर जो होगा ना उसमें काफ़ी अच्छा इंपोर्टेंट रोल निभाता है, और एक अच्छा महत्वपूर्ण भूमिका जो है आपको मिडिल ओवर में देखने को मिलता है। तो जो मिडिल ऑर्डर होगा, अगर किसी टीम का स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर है तो वो उससे आप उम्मीद कर सकते हो कि एक अच्छा रन बना सकता है। अब मिडिल ऑर्डर का मतलब ये नहीं कि 6ठे 7वें नंबर के बैट्समैन जो है आप पिक करके जाओ, एक मिडिल ऑर्डर का मतलब है कि 2रे 3रे 4थे नंबर का जो बैट्समैन है वो आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए यहाँ पे नज़र आ सकते हैं। तो इस चीज़ का जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी आप टीम बनाओगे, सेशन खेलोगे या फिर कुछ भी करोगे तो इस ग्राउंड पे आपको इस चीज़ का जो है हमेशा ध्यान रखना है। अब रिसेंट के
जो कुछ मैसेज है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो रिसेंट का जो कुछ मैसेज है, रिसेंट में कोई मैसेज नहीं हुआ जैसे मैंने आपको बताया है। तो एक मैच देखोगे यहाँ पे 2017 में हुआ था, और एक मैच यहाँ पे देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है वो 2013 में हुआ था। तो 2017 में हुआ था उसमें देखोगे वेस्ट इंडीज ने 76 रन बनाया था, और इंग्लैंड जो है यहाँ पे कितना बनाया, तो 1 जो है वो 55 रन जो है बना पाया, और वेस्ट इंडीज 21 रन से जीत गया था। उसके बाद बात करते हैं तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच यहाँ पे हुआ था, जिसमें देखोगे इंग्लैंड ने 195 रन बनाया था, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने जब 168 रन बनाया था, और इंग्लैंड 27 रन से जीत गया था। तो ये काफ़ी पुराना जो है मैचेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तब अगर मैचेज की बात करते हैं तो आप देखोगे तो ये देखो काफ़ी साल जो है पुराना मैचेज यहाँ पे है, और उसके बाद से यहाँ पे मैचेज हो रहा है। तो इस तरह का कंडीशन जो है वो रहेगा, लेकिन जब पीछे रिंग मॉडिफाई की जाती है तो थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा रहता है कि जो नया ट्रेंड चलता है उसी के हिसाब से पीछे बनाया जाए। और नया ट्रेंड क्या है, तो इंग्लैंड में नया ट्रेंड है बैटिंग को लेकर, नया ट्रेंड है तो बैटिंग के फ्रेंडली जो है पीछे थोड़े से ज़्यादा होने की उम्मीद रहेगा इस ग्राउंड पे। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा अभी तक जो है आप मुझसे नहीं जुड़े हो और चाहते हैं कि विनर सेशन एंट्री में बहुत ऐसे से प्रॉफिट उठा सको, तो ये जो व्हाट्सएप का नंबर है जहाँ पर आपको दिल जाना है, साथ में आप टेलीग्राम पर रजिस्टर पोर्टफोलियो सर्च करके और ड्रीम इंडिया के लिए आप स्पॉटिंग यहाँ पर रिल सकते हो, जहाँ पर आपको इसे रिलेटेड साइज ये देखने को मिल जाएगा। तो होप से वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन क्लिक करना, ताकि अगली वीडियो जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।